तो लीजिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पार्ट टू जो है पिचकारी के कलेक्शन का आएगा, तो आज हमारे पास है बहुत सारी पिचकारी, बैग वाली ज्यादातर है इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ भैया, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर का बैग है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास एक डोरेमोन का बैग है। उसके बाद भैया एक पबजी का बैग है और पबजी की पिचकारी। उसके बाद आपको दिखाता हूँ दो, ये और मेरे पास गन्स है और इनमें कुछ कुछ अलग अलग फंक्शन है, लाइट है, फैन है, भगवान जाने क्या क्या है। एक गुलाल वाली पिचकारी मैंने कहा पड़ी थी, आपको दिखा देता हूँ। बैलून फिलर और एक बेंटन का लाइट वाला मास्क जो आप होली में पहन सकते हो, और एक डिसेंट सा होली का किट। इसके अंदर काफी सारे आइटम है, तो मुझे काफी अच्छा लगा, सोचा आपको भी दिखा दूं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से खोलते हैं इनकी पन्नियां और देखते हैं भैया आइटम कैसा है। मगर उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो कुछ इसी तरह की नहीं और भी डिफरेंट डिफरेंट टॉयज एंड गेम्स की वीडियो देखने के लिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले ओपन करेंगे इस बड़े से ट्रांसफॉर्मर वाले बैग को। बहुत बड़ा बैग है दोस्तों, इससे पहले मैं बाहर निकाल लेता हूं। दोस्तों ये है हमारा बड़ा सा 3D डिजाइन का ट्रांसफॉर्मर का बैग, और मैं आपको बताऊं इसमें आता है 10 लीटर पानी। जी हाँ दोस्तों, 10 लीटर तक पानी आता है इसमें। बहुत बड़ा बैग है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, और मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा इस तरह से देखिए। सिंपली इसकी गन जो है वो तो नॉर्मल ही है जैसे और में होती है, बट यहाँ पे बैग जो है मेन हाईलाइट है। टेस्टिंग करेंगे भैया इसकी और देखेंगे भैया क्या मजा आता है इसके साथ में खेलने से। फिलहाल इसको रख देते साइड क्योंकि बहुत सारी पिचकारी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले बैग की तरफ। दोस्तों अगला जो बैग है मेरे पास वो है डोरेमोन का, और ये भी एक 3D डिजाइन है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है इस डिजाइन में, बट ये 5 लीटर का है सिर्फ, वो था 10 लीटर का। और इसकी जो गन है वो लगभग सेम ही होती है सबकी, सिंपली नीचे से कनेक्ट कर देते हैं और टैंक में जो है पानी आता है। फिलहाल जल्दी से इसको भी रख देते हैं साइड में और अगला पैकेट देख लेते हैं कौन सा है। दोस्तों अगला है हमारे पास एक फैन वाली गन, जल्दी से एक बार निकाल लेते हैं इसे। ओके क्या, ओ दिस इज अमेजिंग। दोस्तों इसे दबाने से फैन चल रहा है यार, वाओ मजा आया कुछ अलग टेक्नोलॉजी देख के। फिलहाल यहां से आपको डालना है पानी और यहां से पानी निकलेगा, बट ये फैन देखिए आप, अरे वाह। और ये दोनों तरफ है, मैंने इस तरफ देखा नहीं था, तो मजा आया इस वाली पिचकारी को भी देख के। चलिए अब अगली पिचकारी देख लेते हैं कौन सी है। लीजिए दोस्तों, पबजी कहाँ पीछा छोड़ने वाला है हमारा, हर तरफ आपको पबजी मिलेगा, धनुष से लेके गन से लेके। तो पबजी की आगे है वाटर बैग, तो इसको भी जल्दी से हम निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हम टैंकर को ही देखेंगे भैया। तो ये है इसका वाटर टैंक और यहाँ पे टारगेट लगा हुआ है भैया, टारगेट नहीं करना है। फिलहाल यहाँ से भरना है पानी और यहाँ से निकलेगा, बट उससे पहले एक अटैचमेंट है जिसको आपको यहाँ पे लगा देना है। अटैचमेंट लगाने के बाद ये जो पाइप है कुछ इस तरह से आप इसमें फंसा दोगे और इस पाइप को इस गन के ऊपर लगाएंगे। बट उससे पहले हम गन की बात करें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, वाओ मज़ा आ रहा है देख के। अरे गिर गया, कोई बात नहीं। फिलहाल यहाँ पे एक और अटैचमेंट आप लगाएंगे तो मेरे हिसाब से कुछ इस तरह से ये चलनी चाहिए। बट यहाँ पे एक और चीज़ है दोस्तों, एक और हमको ढक्कन दिया जाता है इसे बंद करने के लिए। इसका मतलब है ये सिंगल हैंडेड भी यूज़ हो सकती है बिना टैंक के, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी अगर ऐसा होगा कि हम 2-in-1 तरह से काम ले सकें। और स्ट्रैप बैग को टांगने के लिए अलग से यहाँ पे हमको मिलता है। तो फिलहाल जल्दी से देखते हैं अब अगला आइटम कौन सा है। दोस्तों थोड़ी देर पहले देखी थी हमने फैन वाली गन, और ये भी लगभग वैसी ही लग रही है। ओके तो ये निकल गई और बिल्कुल हैंडी है, बढ़िया है, क्वालिटी वाइज बिल्कुल सेम है। ओ दोस्तों एक से एक कमाल हो रहे भैया, इसमें फैन के साथ चल रही है लाइट भी, अरे वाह। अरे यार मजा है देख के कि जितना तेज जलाओगे उतनी तेज ब्लिंक करेगी, अमेजिंग दोस्तों अमेजिंग। यहां से आपको पानी भरना है, यहां से निकलेगा। फिलहाल मैं तो मतलब वैसे ही इससे खेल सकता हूँ, मजा आया देख के। क्वालिटी वाइज बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, फिलहाल इसको भी रख देते साइड में, अगला आइटम देखते हैं कौन सा है। दोस्तों अगला आइटम है ये गुलाल वाली पिचकारी, पहले भी आप बहुत सारी देख चुके होंगे, बट फिलहाल मैंने कहा कि कलेक्शन जब बना ही रहे पिचकारियों का तो गुलाल वाली पिचकारी भी एक आधी तो होनी चाहिए। तो खुल जाए सिम। ओके तो ये मीडियम साइज़ की, इससे बड़ी भी आती है, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये मैंने इजी डे से ली थी, तो आपको बताया कि इजी डे में अच्छी क्वालिटी हमको मिलती है। फिलहाल चला के तो थोड़ी देर में दिखाएंगे, फिलहाल इसके साथ एक कलर भी हमको मिला है, तो यही था बस। चलिए अगला आइटम देखते हैं। दोस्तों अगला आइटम बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ये है एक बेंटन का मास्क, और इसे मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा।
आप बोलोगे होली में मास्क का क्या, आजकल मास्क लगा के भी लोग होली खेल रहे हैं ताकि जो है ना कलर वलर से बचा जा सके। बट यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, इसमें कुछ लाइट वाइट जलती है यार। ये देखिए पीछे एक बटन है, उस बटन को दबा के लाइट जलती है, यहाँ पे बैटरीज लगती है। ये इसका स्ट्रैप है। तो यार बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है बेंटन का मास्क, वाओ। चलिए इसे भी रख देते साइड में। दोस्तों ये है आइटम, तो आपने देखा ही होगा, ये है भैया 111 बैलून फिलर। इसके अंदर तीन सेट होते हैं बेसिकली, आपको मैं फाड़ के दिखा देता हूँ। और कुछ इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ फंसा देना है। जो पानी का पाइप होता है जिससे हम क्यारी व्यारी में गार्डन में पानी डालते हैं, उसे यहाँ लगा देंगे तो ये जो है भर भर के अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे आपकी बाल्टी में। मतलब टाइम भी बचेगा आपका और बैलून भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको फुल के देखने को मिलेंगे। तो इसको रख देते साइड में। और लास्ट आइटम, एक अलग आइटम लेके आए हैं दोस्तों, एक किट है छोटा सा। और आप बोलोगे यार किट में ऐसा है क्या, तो चलिए एक बार दिखा देते हैं। दोस्तों पहले इसका एक पार्ट निकालते हैं। तो इसमें जो है ना, इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, आप कह सकते हैं कि गुलाल, अलग अलग तरह के, ये देखिए इसमें गुलाल है अलग अलग रंग के, और क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। 7-8 तरह के, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी जिसे कहते हैं। मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, बट उससे पहले आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए आप, और पानी में घोलने के लिए वाटर कलर हमको मिल जाते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। और इनको साइड रखने के बाद एक अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, लास्ट आइटम है तो जल्दी से एक बार देख लीजिए आप। होली के बाद, भैया होली से पहले का तो सब सामान दिखाते हैं, होली के बाद का सामान यहाँ पे, वाओ। आपको एक टावल मिलता है दोस्तों यहाँ पे, होली खेल ली अब नहाओ धो, और इस टावल से बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। मैं तो कहूँगा कि मतलब इसे नॉर्मली भी आप रेगुलर यूज़ में ले सकते हो। और उसके बाद ये देखिए आप, सोप, ये रियल सोप है, होली का रंग जो है ना इसी से निकलने वाला है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है शैम्पू, और इसके बाद ये है बॉडी लोशन, और ये क्या है, ये है शावर जेल, तीनों हमको मिलते हैं। और ये क्या है, ये परफ्यूम भी है, अरे वाह, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। और होली का रंग छुड़ाने के लिए एक अलग सी चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों इससे रगड़ रगड़ के आप जब नहाओगे तो होली का रंग जो है ना, स्क्रबर भी हमको मिलता है दोस्तों यहाँ पे। तो ये अमेजिंग किट जो है मैंने इजी डे से लिया था। तो हो गई है सबकी अनबॉक्सिंग, जल्दी से जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई उनकी कर लेते हैं और करते हैं कुछ फन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शावर सा आया है।